गीता को लोगों ने समझा कि युद्ध में जाने का संदेश है गलत, गीता को लोगों ने समझा ये संसार में अड़े रहने का संदेश है गलत। एक तरफ ये गीता के मानने वालों की भूल है, दूसरी तरफ जैनों ने समझा कि ये गीता संन्यास के विरोध में गलत, कि गीता त्याग से बचाती है ये भी गलत। गीता कुल इतना कहती है कि परम की जो आकांक्षा है तुम उसके साथ बहो, विपरीत मत बहो। फिर वो जो भी हो आकांक्षा, कभी संन्यास की होगी, महावीर के लिए संन्यास की थी, अर्जुन के लिए संन्यास की नहीं थी, जो परम की आकांक्षा हो। नदी की धार के विपरीत मत बहो, बस नदी की धार के साथ हो रहो। फिर नदी पूरब जा रही हो तो पूरब, और नदी पश्चिम जा रही हो तो पश्चिम। अब कुछ नदियां पश्चिम जाती हैं, कुछ पूरब जाती, गंगा पूरब की तरफ भागी जा रही, नर्मदा पश्चिम की तरफ भागी जा रही, विपरीत नहीं है वो। जो आदमी गंगा में बह रहा है वो पूरब की तरफ बहेगा, जो आदमी नर्मदा में बह रहा है वो पश्चिम की तरफ बहेगा, लेकिन दोनों नदी के साथ बह रहे हैं, दोनों एक। गीता को जो ठीक से समझेगा, गीता का कुछ भी संदेश नहीं है, इतना ही संदेश है कि परमात्मा की धारा के विपरीत मत बहना, स्वभाव के अनुकूल बहना। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो जो स्वयं का भीतर का आत्यंतिक धर्म है उसमें मर जाना भी बेहतर।